अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर व्लॉग्स। अलीज़े शाह पाकिस्तान की बहुत ही मशहूर अदाकारा हैं जो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं, लेकिन वो अपनी एक्टिंग की वजह से नहीं बल्कि अपनी कंट्रोवर्सीज की वजह से जानी और पहचानी जाती हैं। बहुत सारे लोग इनको इनकी एक्टिंग की वजह से नहीं बल्कि इनकी खूबसूरत आंखों और दिलकश मुस्कुराहट की वजह से बहुत पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पर बात कुछ और होने वाली है। जैसा कि आप सबको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये अपनी कंट्रोवर्सीज की वजह से इंडस्ट्री में काफी मशहूर है। जैसा कि आप सबको याद होगा कि यासिर नवाज का एक ड्रामा काफी मशहूर हुआ था जिसका नाम था मेरा दिल मेरा दुश्मन। ये ड्रामा काफी मशहूर हुआ और इस ड्रामे में अलीज़े शाह ने यासिर नवाज के साथ काम किया था, लेकिन जब यासिर नवाज को एहसन खान के शो में बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि आपको अपनी जिंदगी में किस एक्ट्रेस के साथ काम करके सबसे ज्यादा पछतावा हुआ, तो उन्होंने कहा कि मुझे अलीज़े शाह के साथ काम करने के बाद बहुत पछतावा हुआ और मैं काफी पछताया कि मैंने इसको कास्ट क्यों किया था और मैंने इसके साथ काम क्यों किया। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने कहा कि अलीज़े शाह काफी बदतमीज है, ना तो सेट पर टाइम पर आती है और ना ही किसी से ढंग से बात करती है। अब यासिर नवाज का जब ये वीडियो वायरल हुआ तो अलीज़े शाह ने उनको काफी बदतमीजी से जवाब दिया और उसके बाद इंडस्ट्री में ये मशहूर हो गई कि अलीज़े शाह काफी बदतमीज है। आप सब ये जानते होंगे कि अलीज़े शाह हो या फिर कोई भी एक्ट्रेस, अगर वो बदतमीज है तो फिर इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग उनको कास्ट करना छोड़ देते हैं, क्योंकि कोई भी अपना करोड़ों रुपया लगाकर ऐसे किसी बदतमीज बंदे के साथ काम करना नहीं चाहते जिसके साथ काम करने के बाद आपको मुश्किलात का सामना करना पड़े। लेकिन अलीज़े शाह कहती हैं कि मैं किसी की भी मोहताज होकर जिंदगी नहीं गुजार सकती, मेरी अपनी जिंदगी है, मैं अपनी मर्जी से जीना चाहती हूं और अपनी मर्जी से ही सेट पर आकर काम करना चाहती हूं। लेकिन जब कोई बंदा अपने प्रोजेक्ट पर, अपने ड्रामे पर करोड़ों रुपया लगाता है तो वो फिर एक्ट्रेस या एक्टर की मर्जी से नहीं बल्कि खुद प्रोड्यूसर होने के नाते, डायरेक्टर होने के नाते अपनी मर्जी से उस प्रोजेक्ट को बनाता है। अब जब अलीज़े शाह ने एक बहुत बड़ी प्रोडक्शन का ड्रामा साइन किया, तो मैं आपको पहले बताता चलूं कि जब ड्रामा साइन किया जाता है तो उसमें एग्रीमेंट साइन होता है कि आपने फ्लां फ्लां डेट पर, फ्लां फ्लां टाइम पर सेट पर आना है और आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, क्योंकि एक एक्टर की वजह से या एक एक्ट्रेस की वजह से पूरा सेट, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत सारे फनकार होते हैं जो सेट पर आ चुके होते हैं, अगर वो एक्ट्रेस या एक्टर टाइम पर ना आए तो लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है। अब अलीज़े शाह ने वो एग्रीमेंट साइन तो कर लिया, लेकिन एवर रेडी की प्रोडक्शन में या फिर उनके सेट पर वो टाइम पर नहीं पहुंचती और बहुत सारी डेट्स उन्होंने मिस कर दी, जिसकी वजह से एवर रेडी ने अलीज़े शाह पर FIR कटवा दिया है और पुलिस उनको जगह जगह पर ढूंढ रही है। अलीज़े शाह अब पुलिस से छुप रही हैं और एवर रेडी से भी छुप रही हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये फनकार अपनी एक्टिंग से ज्यादा अपनी कंट्रोवर्सीज की वजह से मशहूर हो जाते हैं, लेकिन अलीज़े शाह के बारे में तो हर जगह ये मशहूर है कि ये आए दिन किसी ना किसी कंट्रोवर्सीज में फंस जाती हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि यासिर नवाज ने जब इनके बारे में ये बयान दिया था तो उसके बाद पूरी मार्केट में, हम इंडस्ट्री को मार्केट कहते हैं, इंडस्ट्री की मार्केट में अलीज़े शाह को कास्ट करना छोड़ दिया था। बहुत सारे लोग इनको कास्ट करने से कतराते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हम जिसके साथ काम करें वो अच्छा एक्टर होने के साथ साथ अच्छा इंसान भी हो, ताकि हमें काम करने में मसला ना हो। अब अलीज़े शाह के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन यासिर नवाज कहते हैं कि मुझे अपने उस बयान पर काफी अफसोस हुआ कि काश मैं अलीज़े शाह के बारे में ये ना कहता क्योंकि वो मेरी बेटियों जैसी है। अब ये बहुत बड़ा पन था उनका, और वो कहते हैं कि जब भी किसी मॉर्निंग शो पे या किसी टीवी शो में जाएं तो वो ब्रेक के टाइम आपको काफी फोर्स करते हैं कि आप फलां का नाम लें, और यासिर नवाज ने भी अलीज़े शाह का नाम ले लिया। जाहिर है अलीज़े शाह को पर्सनली उनसे प्रॉब्लम तो था, जब उन्होंने नाम ले लिया तो फिर वो काफी खुद भी परेशान हुए क्योंकि पूरी इंडस्ट्री में अलीज़े शाह बदनाम हो गई और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने उनको कास्ट करना छोड़ दिया। अब इसी तरह ही अलीज़े शाह अपनी हरकतों से बाज ना आई तो शायद आने वाले वक्तों में आप इनको भी मीरा जी की तरह देखेंगे, क्योंकि मीरा जी को भी आप सब जानते हैं कि कोई भी कास्ट नहीं करता सिर्फ इसी वजह से कि मीरा जी अक्सर गुस्से में कुछ भी कर जाती हैं, या तो वो प्रोडक्शन छोड़ देती हैं या वो शो छोड़कर उठकर चली जाती हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि बहुत सारे ऐसे फनकार हैं जो अपने गुस्से की वजह से
अपनी इन आदात की वजह से, अपने एटीट्यूड की वजह से इंडस्ट्री से गायब हो चुके हैं और लोग उनको कास्ट करना नहीं चाहते। तो अलीज़े शाह के साथ भी देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है। लेकिन आप लोगों के लिए ये मेरा मैसेज है कि अपने गुस्से थे थोड़ा कंट्रोल करो ताकि तुम्हारी जिंदगी अच्छी गुजरे, ना कि अय्या जी मुसीबत लैके गले पा के तुम भी मुसीबत का सामना करते रहो तो परेशानियां वेख वेख के कहो कि काश मैं गुस्सा ना करता तो आज मैं कहीं और होता। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें, भावें इत्थे रहें भावें एबटाबाद रहें। बाय बाय, टेक 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 बाय बाय, क्या कहते हैं, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।